नमस्कार फरीदाबाद, हम लोग पहुंचे हैं कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा के सिरोही फार्म पर और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में 20 दिन बाद प्रवेश करने ही वाली है। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा, बात करेंगे उनसे। देखिए, कांग्रेस एकजुट है और प्रदेश के लोग एकजुट हैं, कांग्रेस के साथ हैं और ये यात्रा राहुल जी के जो हरियाणा में पहुंचेगी तो ऐतिहासिक स्वागत इस यात्रा का हरियाणा में किया जाएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। 5 विधानसभाओं से गुजरेगी फरीदाबाद में? फरीदाबाद में 5 विधानसभा, गुड़गांव की 1 विधानसभा टच करेगी तो मेवात की 3 विधानसभा। तो प्रथम चरण में ही आप ये मानिए कि 9 विधानसभाओं को ये टच करते हुए 3 दिन में ये यात्रा मुडाका बॉर्डर मेवात से होते हुए और बदरपुर बॉर्डर तक 3 दिन तक यात्रा हरियाणा में रहेगी। और मुझे विश्वास है कि जिस रूप में हरियाणावासी आज प्रदेश में बदलाव चाहते हैं, आज हरियाणावासी सरकार से त्रस्त हैं, खट्टर सरकार जो जिस सरकार में हरियाणा विकास में फिसड्डी हो गया है, जिस सरकार में आज हर वर्ग परेशान है, निराश है, जिस सरकार की कार्यशैली ऐसी रही है कि आज हरियाणा में हरियाणा बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच गया है, तो उस सरकार से बदलाव चाहते हरियाणावासी और बड़ी संख्या में इस यात्रा में शामिल होंगे। भाई, कितने हजार लोग अगर बात करें? असंख्य लोग। और फरीदाबाद, आप सोच सकते हैं कि असंख्य लोग यहाँ इस यात्रा में शामिल होंगे। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।